अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम है। सूरह रहमान के इस आफाकी पैगाम रहमत को फैलाने से मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एहतराम इंसानियत का एहसास पैदा हुआ। जैसा कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब तुम किसी को सूरह रहमान का मैसेज दो तो उसे अपने से बेहतर तसव्वुर करो। इसके साथ साथ मेरे अंदर शुक्र और अल्लाह की रहमत का एहसास पैदा हुआ। जैसा कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब तुम किसी को सूरह रहमान का मैसेज देते हो तो उसको बताओ कि तुम खुद किस हाल में थे और किस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने कलाम से शिफा दी। तो इसलिए मैं अब जब भी किसी को मैसेज देता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं किस जहनी और जिस्मानी तकलीफ में मुबतला था और किस तरह मुझ पर अल्लाह ताला ने अपना करम किया और अपने कलाम से मुझे शिफा दी, तो मेरे अंदर हर दफ़ा मैसेज देते हुए वो जो शुक्र की जो कैफियत है वो तरोताज़ा हो जाती है और अल्लाह की रहमत का एहसास तरोताज़ा हो जाता है। इसके अलावा सूरह रहमान का पैगाम फैलाने से मुझे अल्लाह के हसीन ख्याल से जुड़े रहने में मदद मिली और ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता तकवीत पकड़ता जा रहा है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। समात सूरह रहमान के हसीन पैगाम को गौर से सुने और उससे सख्ती इंसानियत की खिदमत करें। सूरह अर रहमान सुने और इसे फैलाएं।